हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 29th ऑफ जून के करंट अफेयर्स, लेकिन शुरुआत करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 29th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्टैटिक्स डे। इस दिन की थीम क्या डिसाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेशनल स्टैटिक्स डे की थीम है जो कि 29th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 29 जून का दिन इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसी दिन 1932 में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट मतलब ISI का फॉर्मेशन स्टोन रखा गया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स के बारे में, तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स माना जाता है प्रसन्न चंद्र महानलोविस को। इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्हें हम PC महानलोविस भी कहते हैं। तो नेशनल स्टैटिक डे हर साल हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अगला जो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 29th ऑफ जून को, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। हम सभी को पता है हमारी पूरे वर्ल्ड में बहुत अधिक मात्रा में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? अगर हम अर्थ की बात करें तो ये 0 degree इक्वेटर है। नॉर्थ पे जाने पर आपको 23.5 degree नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखती है, वहीं 23.5 degree साउथ में जाने पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, इसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये हमारे वर्ल्ड का 40% एरिया रखता है, वहीं 80% बायोडाइवर्सिटी आपको इसी ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगी। इसलिए इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इस दिन की शुरुआत 2017 में की गई थी। तो 29 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेज थे। आइए हम बाकी की न्यूज़ को यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। हम बात करेंगे 7 नए प्रोडक्ट जिनको GI टैग मिला है। इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट्स आज आपको सीखने को मिलेंगी और साइंस की न्यूज़ भी आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, रिविजन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, अगर आज की क्लास का PDF आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो सबसे पहले बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ जूनियर वीमेंस नेशनल टीम बाय द हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के द्वारा जूनियर वीमेंस नेशनल टीम का कोच किसे अपॉइंट किया गया है? तो हेड कोच बन गए हैं तुषार खांडेकर। ये है तुषार खांडेकर। इसके पहले इन्होंने कई सारे इवेंट्स में, कई सारे स्पोर्ट में, हॉकी जो हमारी मेंस की टीम है उसको भी इन्होंने एज असिस्टेंट कोच या फिर स्टाफ की तरह असिस्ट किया है। ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन कोचिंग स्टाफ एट द रियो ओलंपिक्स इन 2016। अब इन्हें हॉकी इंडिया के द्वारा तुषार को इंडिया वीमेंस जूनियर टीम का हेड कोच बना दिया गया है, क्योंकि इंडिया की जो जूनियर वीमेन हॉकी टीम है वो प्रिपेयर कर रही है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। और ये जो आपका जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होना है, वो कहाँ होना है? सेंटियागो में होना है, 29th of November से 10th of December के बीच में। तो इस इवेंट के लिए प्रिपेयर कराने का काम कौन करने वाले हैं? तुषार खांडेकर करने वाले हैं। तो आपको दो बातें यहाँ से सीखनी है। पहली बात है कि जूनियर वीमेंस नेशनल टीम के हॉकी इंडिया ने किसे कोच अपॉइंट किया है, तो हेड कोच बन गए तुषार। और FIH वीमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होना है? तो सेंटियागो में होना है। ठीक, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है AP होता। इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है फेडरल बैंक का। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है फेडरल बैंक फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ AP होता एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन। इनका टेन्योर 29th ऑफ जून से शुरू हुआ है और 14th ऑफ जनवरी 2026 तक रहने वाला है। इसके पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल बैंक लिमिटेड में 2018 से काम कर रहे थे। ओके, RBI ने इन्हें नॉमिनी बनाया था डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ विजया बैंक एंड आंध्रा बैंक। और जो NPCI हम आज की डेट में देखते हैं, उसके भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर या आर्किटेक्ट आप बोल सकते हैं कि AP होता थे। तो फेडरल बैंक को RBI का अप्रूवल मिला है, जिसके बाद AP होता को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट पर्सन हम बात करते हैं क्रिकेटर्स के बारे में। ये है इंडियन क्रिकेटर जिनका नाम है झूलन गोस्वामी।
इसके अलावा आपको इंग्लैंड की वुमेन टीम कैप्टन हीथर नाइट दिख रही होंगी और योन मॉर्गन, ये तीनों लोग जो हैं वो एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल हुए हैं, उसके मेंबर बन गए हैं। तो झूलन गोस्वामी, योन मॉर्गन एंड हीदर नाइट ज्वाइन एमसीसी कमेटी, इन तीनों ने एमसीसी कमेटी को ज्वाइन किया है। एमसीसी कमेटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें कई सारे क्रिकेटर जो करेंट क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं या कोई एम्पायर है, वो सारे अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे शामिल होते हैं। झूलन गोस्वामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2022 में रिटायरमेंट अनाउंस किया था। चलिए अब यहाँ पे हम दो बुक्स के बारे में बात करते हैं। पहली जो बुक है वो राधिका स्वरूप की है। तो राधिका स्वरूप की बुक है द न्यू दिल्ली बुक क्लब। इस बुक को अक्टूबर में रिलीज़ किया जाएगा। इस बुक में बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ड्यूरिंग द पैंडमिक के समय लोगों के मन में क्या डर था, क्या उनकी होप थी, तो उस पर कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ की ये बुक है द न्यू दिल्ली बुक क्लब, और इसको राधिका स्वरूप के द्वारा लिखा गया है और अक्टूबर में इसे रिलीज़ किया जाएगा। अच्छा, राधिका स्वरूप की एक और नॉवल आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेब्यू नॉवल थी, मतलब इनकी पहली नॉवल थी वेयर द रिवर पार्ट्स। तो इसे बेस्ट फर्स्ट नॉवल अवार्ड भी दिया जा चुका है। और इनकी जो लास्ट नॉवल 2021 में रिलीज़ हुई थी वो है सिविल लाइंस। नेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन। इस बुक की ऑथर है रूपा पाई। तो रूपा पाई के द्वारा इस बुक को लिखा गया है द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, जो कि एक इंडियन ऑथर है। रूपा पाई की एक और बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द गीता फॉर चिल्ड्रन, और ये बेस्ट सेलर विनिंग अवार्ड ने जीता है। योग सूत्रा फॉर स्टूडेंट में बेसिकली पतंजलि के 2000 साल पुराने जो भी योगास के सीक्रेट हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में। तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था स्पेशल ओलंपिक 2023 कैंपेन रन हो रहा है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया ने फिनिश किया है स्पेशल ओलंपिक 2023 कैंपेन विथ 202 मेडल्स। भारत ने 202 मेडल यहाँ पे जीते हैं, जिनमें 76 गोल्ड मेडल है, 75 सिल्वर मेडल एंड 51 ब्रोंज मेडल जीते हैं। मोटो फॉर दिस ईयर स्पेशल ओलंपिक्स एंड द वर्ल्ड गेम्स वॉज अनबीटेबल टुगेदर। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करने जा रहा है भारत। होस्ट नेशन कौन सा है? इंडिया इसे होस्ट करेगा, भारत इसको होस्ट करेगा। 5 अक्टूबर से इन मैचेस की शुरुआत होगी, और पहला जो मैच खेला जाएगा वो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। पहला मैच कहाँ होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, फर्स्ट मैच यहाँ पे 5 अक्टूबर को खेला जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। जो फाइनल मैच होगा ओडीआई आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो ये जो फाइनल मैच खेला जाएगा ओडीआई वर्ल्ड कप का वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। पहला है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 रिपोर्ट। तो इस QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 का ये 20th एडिशन है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT बॉम्बे जो है वो 149th नंबर पर है। IIT बॉम्बे किस नंबर पे है? 149th नंबर पे इसकी पोजीशन है। टॉप पर है MIT, USA का जो MIT है वो टॉप पर है। लगातार 12वीं बार ये जो है वो टॉप पर आया है QS वर्ल्ड रैंकिंग में। सेकेंड नंबर पर UK का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, एंड उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत की अगर बात करते हैं तो इस QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की टोटल 45 यूनिवर्सिटी रैंक हुई हैं। तो भारत जो है वो 7th नंबर पर आ रहा है मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री में। ओके, तो इसका आपको याद रखना, टॉप पर है IIT बॉम्बे, 149th नंबर पर इसकी रैंकिंग है। नेक्स्ट है मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला टू लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिसीजेज ऐप। अब देखिएगा, जो लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं या फिर फिन फिश के अलावा श्रिम्स की फार्मिंग करते हैं, झींगा मछलियों की फार्मिंग करते हैं, तो उनको कई सारी डिसीजेज हो जाती हैं। तो किसान अब किससे कंसल्ट करें? तो डायरेक्टली फील्ड ऑफिसर या साइंटिस्ट ऐसे होने चाहिए जिनके साथ कंसल्ट किया जा सके, इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आइए अब इस एप्लीकेशन के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला हैज लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिसीजेज ऐप। इसको लॉन्च किया गया है।
इट इज़ फंडेड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इस एप्लीकेशन को फंड कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कर रही है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10th of September 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके लिए 33.78 करोड़ रुपीज़ बजट रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है? तो एप्लीकेशन को डेवलप किया है ICAR NBFGR अंडर द नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीज। इसके एप्लीकेशन की मदद से फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो उसके बारे में फील्ड ऑफिसर एंड हेल्थ एक्सपर्ट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, यूपी से है। 7 प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 7 प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। किसके द्वारा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। ये जो GI टैग दिए जाते हैं 10 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, और 10 साल के बाद इन्हें रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है। अब वो 7 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली नेचुरल वुड से इसको तैयार किया जाता है। इसमें मैंगो, जैक फ्रूट और टीक वुड को प्रेफर किया जाता है इस ढोलक को तैयार करने के लिए। तो अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा फत्तर, हस्तशिल्प मणिपुरी तरकाशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड द कालपी हैंडमेड पेपर। ये सभी जो है 7 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से हैं जिनको GI सर्टिफिकेट दिया है। ये जो महोबा गोरा फत्तर है बेसिकली एक स्टोन क्राफ्ट है। इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड सॉफ्ट स्टोन, और इसका साइंटिफिक नेम है पायरोफ्लाइट स्टोन। ओके, तो ये आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यूपी से एक और न्यूज़ सामने आती है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर द काउ स्लॉटर चाइल्ड एब्यूज केसेस। अब कई सारे मामले आ रहे हैं चाइल्ड एब्यूज के, तो अगर कोई चाइल्ड एब्यूज का मामला आता है तो उसको आप पॉस्को एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। काउ स्लॉटर गौ हत्या के बारे में है। रिलीजन कन्वर्जन, कई सारे धर्मांतरण के मामले आते हैं, लोगों का धर्म जबरदस्ती फोर्सफुली परिवर्तित किया जाता है। एंड मर्डर, ये जो सारे केसेस हैं इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, जितने भी क्रिमिनल्स एंड माफिया हैं स्टेट के उनको जल्दी से जल्दी सज़ा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि चार्जशीट फाइल हो जाएगी 3 दिन के अंदर, और उसके बाद 30 डेज के अंदर इंश्योर स्पीडी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा विक्टिम को। इसमें इंश्योर किया गया है कि इमीडिएट अरेस्ट किया जाएगा क्रिमिनल को, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे अगेंस्ट द क्राइम। अगली एक और रिपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं। 8th edition ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस सर्वे बिगिन। तो 8th edition वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है स्वच्छ अभियान। इसका नाम क्या है? स्वच्छता सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान। ये 8th edition है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इसके लिए फील्ड असेसमेंट को भी जारी किया है। इसके अंदर कई सारे इंडिकेटर होंगे जो फोकस करेगा कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है या नहीं, जीरो वेस्ट इवेंट, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं कि नहीं, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में आप किस तरीके से काम कर रहे हो। इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर पे असेसमेंट किया जाएगा, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ फेस्टिवल्स के बारे में। पहला है वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। तो रिसेंटली वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कंक्लूड हुई है। ये 6 डेज की यात्रा थी जिसपे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल थे। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 22nd of June से लेकर 27th of June तक चली। इसे इनॉग्रेट 22nd of June में बालाघाट में किया गया था। बालाघाट एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, क्योंकि जो पूरी यात्रा चल रही है वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, ये कहाँ पर की गई?
मध्य प्रदेश में की गई। इसकी शुरुआत 22 जून से होती है बालाघाट से और इनॉग्रेट करते हैं अमित शाह और कंक्लूड होती है 27 जून को शहडोल में और उस पर पहुँचते कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचते हैं। अगर मैं आपको रानी दुर्गावती जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने 1524 से 1564 तक रूल किया है। ये थी रानी गोंडवाना की, कहाँ की रानी थी, गोंडवाना की रानी थी। इन्होंने अकबर की आर्मी के खिलाफ फाइट की थी, जब मतलब मुगल आर्मी के खिलाफ इन्होंने फाइट करने का काम रानी दुर्गावती ने किया था। नेक्स्ट है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, त्रिपुरा में हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्रीटेड पीपल ऑन द ओकेशन ऑफ खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है वन ऑफ द मेन फेस्टिवल है त्रिपुरा में। ये जुलाई अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और 8 डेज तक, 8 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। खर्ची पूजा जो है बेसिकली दो शब्दों से, त्रिपुरी वर्ड से बना हुआ है खर्ची। खर्ची का मतलब यहाँ पे खार का मतलब है सिन एंड ची का मतलब है क्लिनजिंग, मतलब क्लिनजिंग ऑफ योर सिन, आपके पापों की शुद्धि करना, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे 14 गॉड्स की वर्शिप की जाती है, इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी कहा जाता है। 14 अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती है और इनकी जो वर्शिप होती है वो रॉयल प्रीस्ट करते हैं जिनको चंताई कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस फेस्टिवल के बारे में बात करें तो खर्ची पूजा में ये जो डाइटीज़ होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके फुल बॉडी नहीं होती, केवल उनके हेड होते हैं जिनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। अब एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है जिसका नाम है सैद्रा रिवर, वहाँ पर चंताई मेंबर जो हैं वो इन गॉडेस को बात कराते हैं और फिर होली रिवर वाटर में बात कराने के बाद इनको वापस टेम्पल लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दिव्य कला मेला विल बी ऑर्गेनाइज एट जयपुर। तो दिव्य कला मेले का ऑर्गेनाइज किया गया, 2 दिन का ये फेस्टिवल था, 29th of June से लेके आपका 5th जुलाई तक चलने वाला फेस्टिवल था, 2 दिन का नहीं है, आई एम सॉरी। तो दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में। दिव्य कला मेला डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग जन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये 6वां इवेंट है, इसके पहले आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी और इंदौर में भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो लोग भी डिसेबल है हमारी कंट्री में और वो क्राफ्ट बनाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, उनको उनके जो आइडियाज़ हैं या उनके जो वर्क हैं उसको शोकेस करना। और इसके अलावा कई सारे लोग यहाँ पे विजिटर आते हैं और इनके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वर्क, पैकेज फूड वगैरह यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल, नाम से समझ में आ रहा है लद्दाख में हो रहा है, ये दो दिन का फेस्टिवल है। बेसिकली यहाँ पर जो एक बुद्धिस्ट, तिब्बत बुद्धिस्ट धर्म गुरु आप बोल सकते हैं, गुरु पद्म संभवा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ पे ग्रैंड प्रेयर की जाती है और फिर इस मास्क को लगा के डांस परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम 27 जून की। 27 जून को हमने सेलिब्रेट किया है MSME डे। क्या सेलिब्रेट किया हमने, MSME डे हमने 27 जून को सेलिब्रेट किया। तो जो यूनियन मिनिस्टर है नारायण राणे, उन्होंने चैम्पियन 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है MSME डे पर। कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे, MSME मिनिस्ट्री लॉन्च चैम्पियन 2.0 पोर्टल, मोबाइल ऐप एंड MSME आइडिया हैकथॉन 3.0। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया उद्यमी भारत MSME डे 27 जून को, जिसमें नारायण राणे ने एप्लीकेशन लॉन्च की। जो नारायण राणे थे वो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के, उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की है, चैम्पियन 2.0 को लॉन्च किया है और एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके अलावा जो MSME आइडिया हैकथॉन 2.0 के रिजल्ट को अनाउंस किया है और MSME आइडिया हैकथॉन 3.0 की शुरुआत भी यहाँ पे की गई है। ठीक, यहाँ पर सब्सिडी जो आपके MSME सेक्टर है उसके लिए 400 करोड़ की सब्सिडी भी डिजिटली रिलीज की गई है, जिससे लगभग 10,000 बेनिफिशरीज को प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नारायण राणे के द्वारा अपनी स्पीच में कहे गए, क्या बात की गई, नारायण राणे हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ MSME इन इंडियाज GDP एंड एक्सपोर्ट। इन्होंने कहा है कि GDP में MSME सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% हो जाएगा 2030 तक।
एमएसएमई की मदद से ही भारत की आज इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच रही है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अचीव कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर की वजह से ही भारत की जीडीपी 2014 में जो 10th पोजीशन पे थी आज 5th पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्वनंदन सोनोवाल लॉन्चेस न्यू सीएसआर गाइडलाइंस सागर सामाजिक सहयोग। अब ये क्या कार्यक्रम है इसको हम देखते हैं। देखिएगा, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं या फिर बड़ी बड़े जो बिजनेस रन हो रहे हैं जिनके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सीएसआर गाइडलाइंस को इशू किया गया था। पहले इन गाइडलाइंस को हम पढ़ लेते हैं फिर हम इस न्यूज़ पे आते हैं। तो सीएसआर का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो सोसाइटी के लिए भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए यहाँ पर एक सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सीएसआर को लाया गया था और ये भारत जो है वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने सीएसआर को मैंडेटरी करा। इसमें अंदर क्या प्रोविजन है, जो कोई कंपनी है जिसकी नेटवर्थ आप देखेंगे 500 करोड़ रुपीज से ज्यादा है या फिर टर्नओवर ज्यादा है 1000 करोड़ से या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके लिए आपको अपनी इनकम का 2% 3% कुछ परसेंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल एंड एनवायरनमेंट कंसर्न के लिए, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हो तो इसके लिए क्लाइमेट भी तो हार्म हो रहा है, तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज से छुटकारा पाना है, क्लाइमेट चेंज से निपटना है, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। इसलिए सीएसआर की गाइडलाइंस आई थी, तो उसी गाइडलाइंस के अंतर्गत यहाँ पर सागर सामाजिक सहयोग सर्वनंदन सोनोवाल ने लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्वनंदन सोनोवाल हैज इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ न्यू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस कॉल्ड द सागर सामाजिक सहयोग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। इस गाइडलाइंस का मकसद यही है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है, कोस्टल बाउंड्री में रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज़ है, उनकी मदद की जा सके और एनवायरमेंट के मुद्दों से और उनकी जो समस्याएं हैं उनके मुद्दों से निपटा सके। ठीक है, अब यहाँ पे फंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं। अंडर द न्यू सीएसआर गाइडलाइंस पोर्ट्स इन इंडिया विल अलोकेट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर नेट एनुअल प्रॉफिट टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज आपको देना होगा। ठीक है, अब क्या परसेंटेज है, द अलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ ईच पोर्ट फॉर द ईयर। हर एक पोर्ट का अपना एक टर्नओवर होता है, तो अगर पोर्ट का टर्नओवर देखें 100 करोड़ है तो आपको 3-5% अपने नेट एनुअल प्रॉफिट का सीएसआर एक्टिविटीज़ में देना होगा। ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस है कि 100-500 करोड़ आपका टर्नओवर है या 500 करोड़ से आपका ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको कितने परसेंटेज देना है अपने नेट प्रॉफिट का। लास्ट न्यूज़ आज हम बात करेंगे पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर। यहाँ पर देखिएगा, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक डिस्कवरी की है। क्या इन्होंने एक पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर तैयार किया है। ये सुपर कैपेसिटर तैयार हुआ है सीवीड से, आप इसको समुद्री सैवाल बोल सकते हैं, तो समुद्री सैवाल या फिर सीवीड से जो है इस पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर को तैयार किया गया है। ये लाइट वेट होता है, बहुत थिन है, बायोडिग्रेडेबल भी है और इसकी फुल जो चार्जिंग कैपेसिटी है 10 सेकंड के अंदर फुली चार्ज भी हो जाता है। तो इस पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर को तैयार किसने किया है, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मेमोरी बैकअप सिस्टम, एयरबैग्स, हैवी मशीनरीज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस सुपर कैपेसिटर का यूज़ किया जा सकेगा। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। सबसे पहली बात है, आरबीआई ने कर्नाटका बेस्ड महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़ इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने $391 मिलियन का लोन भारत के 2 स्टेट्स को दिया है, असम एंड त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा रिसेंटली इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट आरती मैनी को डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के डायरेक्टर कौन बन गई हैं, आरती होला मैनी बन गई हैं। नेक्स्ट है,
यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी ने डिक्लेयर किया है कि दिवाली के दिन स्कूल में हॉलीडे रहेगा, ये बात इसने डिक्लेयर की है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन दिसंबर 2023 से किस स्टेट से शुरू की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड फर्स्ट अंडर वाटर टनल एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़ इन द स्टेट? तो आंसर हो जाएगा आसाम, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे इस टनल को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द जूनियर वीमेंस नेशनल टीम बाय द हॉकी इंडिया? आंसर हो जाएगा तुषार खांडेकर। नेक्स्ट है, अर्बन 20 या फिर U20 मेयर समिट 7th और 8 जुलाई को कहाँ होगी? तो अहमदाबाद में होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 40वें स्थान पर, मतलब 40th रैंकिंग भारत की है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निश्चित पेंशन प्लान किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो निश्चित पेंशन प्लान लॉन्च किया है आदित्य बिरला ने, ऑप्शन सी। कौन सी आईटी कंपनी, किस आईटी कंपनी की डील डेनमार्क के बैंक डेंसके बैंक के साथ हुई है $454 मिलियन की फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? तो आंसर हो जाएगा इंफोसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, काइरिकोस मितोस्तास की किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ग्रीस के, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया? आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ अमेरिका स्कूल हॉलीडे हैज बीन अनाउंस्ड ऑन दिवाली? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फील्ड किसे दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पर्सन है ये आपको किसी पेपर में मिलेंगी, उतनी ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जितनी अदिति अशोक है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर LET एट द टिप स्पॉट चेक लेडीज ओपन 2023 किसने जीता है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से उन गोल्फर का नाम बताना जिन्होंने LET टूर जीता है। ओके, ये सेकेंड इंडियन है, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना, बाकी सारी बातें हम अपकमिंग सेशन में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।